कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा राधे राधे, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 1 जुलाई बुधवार को पड़ रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मनाभा तथा हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने के कारण विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, चातुर्मास का व्रत करते हैं। इन दिनों केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भूमंडल यानी पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्यम लिखा है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, सभी पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से भगवान का शयन प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार सहित पूजन करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान करवा कर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजकर आरती उतारी जाती है। भगवान को पान सुपारी अर्पित करके उसके बाद निम्न मंत्र द्वारा स्तुति की जाती है। मंत्र इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत् सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत् सर्वचराचरम्। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार करना चाहिए। रात्रि में भगवान के मंदिर में ही शयन करना चाहिए तथा भगवान का भजन वस्तुति करनी चाहिए। स्वयं सोने से पूर्व भगवान को भी शयन करा देना चाहिए। इस दिन अनेक परिवारों में महिलाएं पारिवारिक परंपरा अनुसार देवों को सुलाती हैं। इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाशनादि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करें। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंशवृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्रादि के समान फल मिलने के लिए बर्तन में भोजन करने के बजाय पत्र का तथा सर्व पाप अक्षय पूर्वक सकल पुण्यकाल प्राप्त करने के होने के लिए एकमुक्त नक्त व्रत, आयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का
व्रत ग्रहण करें। साथ ही चातुर्मासी व्रतों में कुछ वर्जनाएं भी हैं, जैसे पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस शहद तथा किसी अन्य का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूली परवल एवं बैंगन आदि का साग खाना भी त्याग देना चाहिए। जो श्रद्धालु जन इस एकादशी को पूर्ण विधि विधान पूर्वक भगवान का पूजन करते और व्रत रखते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा अगली वीडियो में सुनिएगा। हमारी यही मनोकामना है आपका दिन मंगलमय हो। व्रत त्यौहार धार्मिक लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति रुचि रुचि भोग रेसिपीज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने परिवार जनों से शेयर करें, लाइक करें। तब तक राधे राधे, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।